ये पूरा लाइफ स्कैन कर देंगे हमारा और रिपोर्ट दे देंगे तुम ऐसे हो। मुझे एक बात बताइए, जब मैं आपसे मिलता हूं तो क्या मुझे आप में गलतियां नहीं दिखती? तो क्या मैं आपकी कॉलर को पकड़ पकड़ के बोलता हूं ये ठीक कर ये ठीक कर? अरे परमेश्वर खुद ही डील करेगा ना, तुझे करना क्या है? डू यू नो, परमेश्वर जानता था अगर दाऊद के ऊपर लीडरशिप के बाद मैंने उसको ऐसी सेवा दी ना, ये बड़ी बड़ी मूर्खताएं करेगा। इसलिए परमेश्वर ने उसे 13 साल तक उसके अंदर धीरज पैदा किया, ताकि जब वो यहां पर खड़ा हो ना, वो सिर्फ लोगों के बिहेवियर्स को नहीं, वो परमेश्वर का प्रचार कर पाए। यही कारण है, आपने देखा होगा लगभग सभी चेले 30 के बाद चुने गए हैं। बेटा इस एज, ये मैच्योरिटी की एज है। मुझे बताइए आप कौन सा चेला था? इवन द बाइबल सेज यीशु 30 साल का था जब वो चुना गया, क्योंकि इंसान तब तक बहुत कुछ सीख लेता है, लर्न कर लेता है, और अगर 30 के बाद भी वो लर्न न करे, पता नहीं क्या होगा ऐसो का। यू नो, जब दाऊद राजा बनता है, जब वो इसराइल की चरवाई शुरू करता है, मैं आपको उसकी एक ब्यूटिफुल क्वालिटी के बारे में प्रीच करना चाहता हूं आज। यहां देखिए, कलाम पाक कहता है दाऊद का और इसराइलियों का एक दुश्मन था, अब आराम से पढ़ सकते हैं, इन लोगों का नाम था अमालेकी। ये हमेशा वेट करते थे कि कैसे, एक सेकेंड, अब आराम से पढ़ के देखिए, आपको एक नाम मिलेगा पुराने नियम में, अमालेकिया। ये एक जाति थी जो इसराइल से आज भी, यू नो, आज भी नाम चेंज है खाली, लेकिन लड़ाई कर रहे हैं ये लोग हमसे। द बाइबल सेज अमालेकी इसराइल के दुश्मन थे। एक दिन दाऊद और उसके सारे योद्धा अपने सिटी में नहीं थे, ये सब कहां गए थे? अचानक सिकलक के ऊपर इन्होंने चढ़ाई कर दी। सबसे पहले इन्होंने औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को घर से बाहर निकाला, इन सबको बांधा, इनके सामने इनके घरों को तोड़ के जलाया, और सारी औरतों को, दाऊद का परिवार भी उसमें था, ये सब किडनैप होकर चले गए। और जब दाऊद और उसकी सेना आ रही थी, जब उन्होंने देखा कि सिकलक फूंक दिया गया है, और लिखा है वे इतने रोए कि उसके बाद उनमें रोने की ताकत नहीं बची। यू नो, मैं ये बिलीव करता हूं बहनें रोती हैं, लेकिन आप हमेशा एक बात याद रखिएगा, अगर कोई भाई रोए ना, समथिंग इज सीरियस, इट्स रियली सीरियस। अगर आप किसी जेंट्स को रोते हुए देखो ना, क्योंकि हम थोड़े कठोर होते, हम इतना जल्दी नहीं रोते। मैं जानता हूं परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग चीजों से बनाया है, आप बहनें थोड़ी इमोशनल हो सकती है, लेकिन हम थोड़े कम इमोशनल होते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को, किसी मेल को देखो ना रोते हुए, तो समथिंग कुछ है। लिखा है दाऊद और उसके लोग रो पड़े, और रोने के बाद जानते हो क्या हुआ? अब देखिए दाऊद की एक ब्यूटीफुल क्वालिटी। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? जो लोग उनके परिवारों को ले गए थे, उनकी लूट को सब ले गए थे, दाऊद उनके बारे में कहता है, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने, मतलब परमेश्वर ने उससे कहा, कर पीछा, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा ले आएगा। यहां देखिए, सब मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, जब दाऊद ने परमेश्वर से सुना, जा पीछा कर, तू उनको पकड़ लेगा, कलाम पाक कहता है दाऊद अपने साथ कुछ लोगों को लेके आगे बढ़ा। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, दाऊद आगे चल के जो कुछ लूटा गया था सब कुछ वापस ले आया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, दाऊद लड़ाइयों में क्यों नहीं हारता था? एक दिन यहोशू एक लड़ाई हार गया, वो घुटनों पे आके जानते हो क्या कहता है? वो ये नहीं कहता शायद रणनीति गलत थी, वो ये नहीं कहता है शायद हमारी प्लानिंग गलत थी, वो कहता है हम इसीलिए हारे हैं क्योंकि तू हमारे मध्य में नहीं था। इसराइल जानता था कि वो युद्ध जो है वो तलवार और भाले से नहीं जीतते, वो इसलिए जीतते क्योंकि खुदा उनके साथ है। यू नो, आप आराम से पढ़िए, दाऊद हर बैटल जीतता था,
गोलायस से जीता, सिकलक जीता, हेब्रोन जीता, और उसकी 18 लड़ाइयां मुझे पता है। हर बार वो जीतता था। जानते हो क्यों? उसका कारण क्या था? क्यों परमेश्वर उसके युद्ध में शामिल होता था? उसका एक कारण था। आज भी आप देखिए, आपकी बहुत सारी बातें जो आपने खुदा से कही है, वो क्यों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज भी बहुत सारी बातें हैं आपकी जिंदगियों में जो आज तक सॉर्ट नहीं हुई है, क्यों? उसका रीजन क्या है? ब्रदर, एक वर्ड लगाइए, कोई बाइबल मत खोलिए, यहां देखिए, क्यों परमेश्वर दाऊद की लड़ाइयों में आता था? और आज भी अगर आप ये करो, ये सिद्धांत पालो, मैं यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणी करता हूं, आने वाले दिनों में आप हर जगह उसका हाथ पाएंगे। सिर्फ ये करो। अब जो वचन लग रहा है, वचन संहिता लगाइए भैया, 53:2, यहां देखिए, मैं आपसे विनती करता हूं, कोई खोलिए मत, इस वचन को देखिए, आप सब समझ जाएंगे। साम 53:2, देखिए यहां पर क्या लिखा है, परमेश्वर क्या कह रहा है यहां पर। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को खोजने वाला है कि नहीं। परमेश्वर आज भी स्वर्ग से नीचे देखता है बुद्धिमान लोग कौन है। परमेश्वर की नजर में बुद्धिमान वो नहीं है जिसे 2 करोड़ बनाए हैं, वो बहुत सारी प्लेसेस बनाई हैं। खुदा की नजर में बुद्धिमान वो है जो परमेश्वर को ढूंढे। क्या ढूंढे? खोजने वाला है कि नहीं। मेरी बाइबल में जानते क्या लिखा गया है? मैं आपको और क्लियर बताता हूं, ये सही ट्रांसलेशन नहीं है। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्य के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर से पूछने वाला है कि नहीं। पूछने वाला, आपको पता है दाऊद अपने हर लड़ाई में लड़ाई से पहले खुदा के पास जाता था, वो उसे ढूंढता था और ढूंढने के बाद उसकी सलाह का इंतजार करता था। और आप पढ़ सकते हैं परमेश्वर की हर 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 समय प्रभु उसके वेश को बदलता था। आज राइट साइड से जा, आज लेफ्ट से जा, आप इनको लेके जा, आज यहां से जा, आज वहां से जा, हर बार वो जीता। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कुछ भी करने से पहले इस सिंपल सिद्धांत को समझिए। जो भी करने जा रहे हो उसमें परमेश्वर को इन्वॉल्व कीजिए, उसमें परमेश्वर को बुलाइए, उसमें परमेश्वर को कहिए कि प्रभु इस काम में आए आप। जब आप परमेश्वर से पूछते हैं, आप परमेश्वर को इन्वाइट करते हैं। दाऊद सबका सब लौटा ले आया। मैं यीशु के नाम से आपको कहता हूं, जो आपसे छीना गया है आप भी लौटा ले आएंगे। लोगों से लड़ना बंद करो। मेरा ये ले गया, मेरा वो ले गया, मेरा ये किया, मेरे वो किया। स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। दाऊद सब लौटा ले आया। वही दाऊद लड़ाई के बाद एक भजन लिखता है और कहता है, यहोवा के नाम से हम वीरता दिखाएंगे, हमारे द्रोहियों को वही रौंदेगा। चाहे मैं सेनाओं से गिरा हुआ क्यों न रहूं तो भी मैं न डरूंगा, मैं तुझ पे अपना भरोसा रखूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं, आपकी जिंदगी का ये सिद्धांत है, आप अपने जिंदगी में हर दिन उसे इनवाइट करते हैं, आप जानते हैं वो आपके साथ है, फिर भी आप कहते हैं प्रभु मुझे आपकी मदद की बड़ी आवश्यकता है। Why you never feel fresh? ओ, मेरे पास प्रभु के अनुग्रह से 1000 मैसेज रहते हैं प्रीच करने के लिए, फिर भी मैं जब यहां पर आता हूं, पूरी वर्शिप में आप गीत गाते होंगे, मैं गीतों के अंदर दुआ भी करता हूं, खुदा मुझे पता है मेरे पास संदेश है, लेकिन तेरा हाथ नहीं आया ना इस संदेश के पीछे, किसी की जिंदगी नहीं बदलेगी। कितने लोग हैं मुझे बताइए जो दाऊद की तरह पूछते हैं उससे। हां,
परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कोई बुद्धि से चलने वाला है। कुछ प्रॉब्लम हुई, लगाओ उसको फोन, 15 मिनट पहले उसको बताओ ये आए थे, इन्होंने ऐसे किया, इन्होंने वैसे किया, ये जैसे जाएंगे कोई और आके बैठेगा गप्पे मारने के लिए, देखो पता है ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। अरे तुम प्रार्थना नहीं करते, तुम सिर्फ लोगों की सिंपति गेन करते हो कि कोई मुझे सोचे, कोई मुझे समझे कि मैं दुखों में हूं और सब मेरे सर पे हाथ फिर के कहें। आप इसीलिए जी रहे हो? कितना प्यार है आपको इस चीज से कि लोगों को पता चले मैं दुख से जा रहा हूं, लोगों को पता चले मैं टेंशन में हूं। दाऊद ऐसा नहीं था, दाऊद जानता था मुझे क्या करना है। मैं कभी कभी सोचता हूं प्रभु अगर आप उस काना की शादी में नहीं गए होते तो क्या हालत होती उनकी। सोचिए कितनी कितना मैरिज फील होता है कि अगर आपके घर पे मेहमान आए और आपको परोसने के लिए कुछ ना हो। सोचिए उनका दाखरस समाप्त हो गया। मरियम एक बहुत अच्छी स्त्री थी, वो उसको ये नहीं कहती है कि देख इन्होंने बुला के हमारे लिए कुछ नहीं रखा है। वो दूसरों की चिंता करती है कि कुछ और, अरे हम तो सह लेंगे कोई बात नहीं, हम तो एक ही परिवार के हैं, ये दे न दे खाने के लिए थोड़ी आए हैं, मिलने के लिए आए हैं हम तो। उसके अंदर ऐसा मन था, वो हमारी तरह बिल्कुल नहीं थी कि अगर कहां पर कुछ कम ज्यादा देखे तो उनकी बुराइयां करके आ जाए, देख किया क्या है इन लोगों ने, हमें बुलाया है खाना रखा नहीं है, हैसियत नहीं है तो करते क्यों है। वो हमारी तरह बिल्कुल नहीं थी, वो दूसरों की परवाह कर रही थी। अरे वो अपने मन में ये सोच रही होगी हमें मिले ना मिले क्या प्रॉब्लम है, हम तो परिवार के हैं मिलते रहेंगे, कम से कम इनकी नजर, इनकी जो इज्जत है वो दूसरों की नजर में खराब ना हो। और वो यीशु के पास जाके कहती है जीसस वाइन इज ओवर, इनकी दाखरस समाप्त हो गई है। यीशु उनको कहता है मेरा तुझसे क्या नाता। और उसके बाद भी वो जानती थी वो बड़ा दयालु है, उसको कह दिया है ना अरे वो कुछ कर देगा। इसके बाद वो उसके पास जाके कहती है इनका दाखरस समाप्त हो गया है, फिर जाके सेवकों को कहती है सुनो जो वो कहे वो करना। शी नोस शी हैव अ मर्सीफुल सन, वो जानती थी उसका 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 बेटा कितना दयालु है। मैं कभी कभी सोचता हूं जब जीसस, कल रात को मैं सोया था एंड आई वॉज थिंकिंग मैं सोच रहा था, मैंने कहा प्रभु अजीब बात है ना, पूरी जिंदगी तू लकड़ियां ले लेके स्टूल टेबल बनाता था पर अंतिम लकड़ी तू उठा नहीं पा रहा था। ओ जीसस, पूरी जिंदगी तूने लकड़ियां उठा उठा के स्टूल टेबल चेयर सोफा वगैरह बनाया होगा पर अपनी अंतिम लकड़ी क्रूस तू नहीं उठा पा रहा था। क्या ये लकड़ियां और वो लकड़ियां बड़ी भारी थी प्रभु? नहीं नहीं, उन लकड़ियों के ऊपर गुनाह नहीं था, इस लकड़ी पे गुनाह थे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जब जीसस अपने शॉप पे बैठा रहता होगा और कोई बहन आके बोलती होगी बुढ़ी सी औरत यशुआ, उसको ऐसे पुकारते होंगे यशुआ, हाँ स्टूल है, हाँ है, कौन सा चाहिए, छोटा मिडल के बड़ा, दिखा मुझे तीनों, और उनको दिखाता होगा। तब वो उसको कहती होगी, वो कहती होगी ये बीच वाला चाहिए, हाँ ले जाओ, कितने का है यहां पर, दे दो 20 शिकल, 20 शिकल तो बहुत महंगा है यसु, आप कौन हो? मैं बूढ़ी हूं, पति 50 साल पहले चले गए, यंग से मैं बूढ़ी हूं, विधवा हूं। आप विधवा हैं? हाँ, आपके लिए फ्री में, ले जाइए। आई बिलीव वो ऐसा था, वो लोगों से फायदे नहीं उठाता था, वो कभी लोगों को यूज नहीं करता था हमारी तरह, वो लोगों के पीछे इसलिए नहीं पड़ता था ताकि लोग उसके काम कर दें, वो बड़ा दयालु था। एंड जब वो उसको कहती है उनका दाखरस समाप्त हो गया है, वो जानती थी ये चुप नहीं रहेगा। आप में से कितने लोग हैं जो इस बात को विश्वास करते हैं, जो चीज मैंने उसके हाथ में दी है उस हर चीज में मैं उसका हाथ पाऊंगा। कम ऑन, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से कहता हूं उस शादी में अगर उनकी इज्जत बची तो मात्र यीशु के कारण बची।
अदरवाइज हर व्यक्ति ये कह के निकलता, हैसियत नहीं थी फिर भी इन लोगों ने किया, लेकिन एकमात्र प्रभु यीशु के कारण उस शादी में उनकी इज्जत बची। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, परमेश्वर को पुकारना सीखें, बुद्धि से चलना सीखें, हर समय उसे खोजना सीखें। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका मुंह कभी काला नहीं होगा, वो कभी आपके मुंह को काला नहीं होने देगा। दाऊद सबका सब लौटा लाया, सब कुछ लौटा लाया वो, आप भी सब लौटा लाएंगे, अपना अभिषेक, वो उपस्थिति, वो स्वभाव, वो दान वरदान, वो सारी चीजें आप लौटा ले आओगे जो आपने खोई थी। मात्र एक काम करिए, बुद्धि से चलिए, परमेश्वर से बात करिए, आप सब लौटा ले आएंगे। ओ आज मैं करेश की आत्मा से भरा हुआ हूं, आज मैंने सुबह प्रभु से सुना, मुझसे बात कर, तू सब लौटा ले आएगा, सब लौटा ले आएगा। कैसे? क्योंकि जो मुझसे बात करते हैं उनकी बातें मेरी हैं। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? यहां देखिए, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, परमेश्वर इब्राहिम से कहता है मैं तेरी ढाल हूं। डू यू नो ढाल? एक ढाल होती है जिसे पुलपिट है मेरे हाथ में। पुराने जमाने में जब लोग लड़ने के लिए जाते थे उसे डाल रखते थे, जैसे कोई लड़ता था उनसे वो आगे करते थे। खुदा कहता है मैं तेरी डाल हूं। जानते हो डाल का मतलब क्या होता है? इट मींस हर वो चीज जो तुझे डैमेज करने के लिए आएगी उससे पहले मेरा सामना करना पड़ेगा। डू यू हैव अ गॉड लाइक दिस? मैं तेरी ढाल हूं। भैया लगाइए जल्दी 17:1 जेनेसिस उत्पत्ति, लगाइए जल्दी लगाइए। ओह थैंक यू लॉर्ड, सॉरी 15:1 जल्दी लगाइए ब्रदर, 15:1 उत्पत्ति। यहां देखिए सब, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में इब्राहिम के पास पहुंचा, हे इब्राहिम मत डर, मैं तेरी ढाल हूं। जानते हो ढाल का मतलब क्या होता है? कैसे सैनिक लड़ने के लिए जाते हैं, उनके पास डाल होती है कि कोई चीज उन तक ना पहुंचे। खुदा कहता है मैं तेरी डाल हूं। इसका मतलब जानते हैं, इससे पहले कि लोग तेरा सामना करें उन्हें पहले मेरा सामना करना पड़ेगा। जो तुझे छुए वो मेरी आंख की पुतली को छुएगा। दाऊद सबका सब लौटा ले आया, वो वहां पर गया, लड़ा, सब वापस ले आया। जानते हो क्यों खुदा उसकी लड़ाइयों में शामिल होता था? क्योंकि वो उसे इनवाइट करता था। वो जानता था जब तक प्रभु साथ में ना हो हम नहीं जीत सकते। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का वर्ड आपको शेप देना चाहिए। ये इनवाइट गॉड, वो शैतान की तरह नहीं है बिन बुलाए आ जाएगा, वो जेंटलमैन है। इसलिए उसे प्रकाशित वाक्य में लिखा, जो दरवाजा खोलते हैं मैं उनके भीतर आके उनके लिए खाना, उनके साथ खाना खाता हूं। He is a God of order. इस लस से निकालिए, निकलिए बाहर कि आपके दुख सिर्फ लोगों को पता हो, ताकि वो आपके आपके लिए उनके द सिंपति आए। ओ अच्छा सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो, गो टू जीसस। कोई परिवार इसलिए नहीं बचेगा क्योंकि वो परिवार बड़ा बुद्धिमान समझदार है, हर परिवार मात्र उसके कारण बचेगा। इस मीटिंग को बंद करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। यहां देखिए सब, मैं बस 2 मिनट मुझे चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। आप जानते हैं, जब भी आप परमेश्वर को अपनी जिंदगी की कोई बात बताते हैं, कोई अनसेटल मैटर, कोई दिक्कत, कोई भी चीज,
आप जानते हो, आप परमेश्वर को अपनी उस एरिया में इनवाइट करते हो, और एक बार अगर आप उसको इनवाइट कर चुके हो ना, अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी नहीं। याद रखिए, दाऊद सब का सब लौटा ले आया, वो अपने परिवार को लाया, वो लूट लाया, वो सब कुछ ले आया, वो वापस सिकलग आया। मैं कभी कभी सोचता हूं, प्रभु वो कैसे ले आया। वन थिंग, उसने मात्र मुझसे बात नहीं की थी, उसने मुझे न्योता दिया था। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम उसे न्योता दें और वो ना आए। कोई जीवन बर्बाद नहीं हो सकता जिस जीवन में उसे न्योता मिला है कि प्रभु आप मेरे जीवन के प्रभु हैं, यू आर द गॉड ऑफ माई लाइफ। ओ, मैं आपको यीशु के नाम से कहता हूं, आपके जीवन में अगर ऐसा भी समय आ जाए ना जब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, सब बिगड़ा हुआ है, मैं आपको कहना चाहता हूं, चाहे आप घोर अंधकार की तराई में दाऊद की तरह क्यों ना चले, हानि से न डरना, बिल्कुल मत डरना, क्योंकि अंत में एक बात होगी और आप भी दाऊद की तरह कहेंगे, निश्चय भलाई और करुणा मेरे साथ बनी रहेगी। यस, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, प्रभु मेरा चरवाह है, मुझे कोई घटी ना होगी। द लॉर्ड इज माई शेफर्ड, यहोवा मेरा चौपान है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस सिद्धांत को अपने जिंदगी में बनाओ। सीख द गाइडेंस ऑफ गॉड, सीखो उन राजाओं से जो हमसे पहले हुए थे, वे हर लड़ाई में जाने से पहले भविष्यवक्ताओं के पास जाके कहते थे, क्या यहोवा की इच्छा है कि मैं लड़ने जाऊं। सीख द गाइडेंस ऑफ गॉड। आपके घर को कैसे चलाना है लोगों से मत पूछो पहले, गो टू जीसस। मुझे किससे मैरिज करनी है पहले, गो टू जीसस। मुझे होम लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, गो टू जीसस, गो टू जीसस। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप ये जानना चाहते हो कि भाई आप आशीषित क्यों हो, जानते हो रीजन क्या है, आई ऑलवेज गो टू जीसस, मैं सदैव उसके पास जाता हूं। अरे कब कॉल किया मैंने आप में से किसी को, मैं दुखी हूं, मुझे मनाने के लिए आओ, पछता रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। मैं जानता हूं सब कुछ बोलने के बाद आप मुझे क्या कहोगे, ब्रदर हमें बड़ा खेद है आपके साथ ये हो रहा है, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी वही करोगे ना, मैं क्यों ना करूं। फिर काश हमारे अंदर से परमेश्वर ये लोगों से सिंपथी गेन करने वाला ये गंदा स्वभाव हम में से निकाले, और हम उसकी नजर में एक बुद्धिमान व्यक्ति बने, जिसके विषय में लिखा है, एक बुद्धिमान एक चाल चलता है, ही सीक द लॉर्ड। और यहोशापात डर गया और सुसाइड कर लिया, है ना, सेकंड क्रॉनिकल्स में ये लिखा है ना। और यहोशापात को जब पता चला कि तीन देशों के लोग मुझ पे चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, तब वो जो है वो सुसाइड करने के लिए सोच लेगा, कहां मरूं, ऊपर से गिरूं, ये करूं, वो करूं, क्या करूं। द बाइबल सेज ही सीक द लॉर्ड, उसने प्रभु को खोजा। कोई नबी नहीं था उन दिनों में इसराइल में, हिजेल नामक एक लड़का, मेरी तरह यंग लड़का वहां पर आके कहता है, हे यहोशापात, हे यहूदा, हे यरूशलम के लोगों, अब मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं, तुम्हारे इस कार्य के कारण तुम्हारे राजा ने उसे ढूंढा है ना, अब परमेश्वर की यह वाणी है, जाओ जाना उस फील्ड में खड़ा होना, प्रभु ये कहता है तुम जाओगे तो सही, लेकिन मैं तुम्हारा बचाव करूंगा वहां पर। यू नो, जब आप परमेश्वर को पुकारते हो, ट्रस्ट मी, ये उसका ऑनर है। और कलाम पाक कहता है, जो मेरा आदर करेंगे मैं उनका आदर करूंगा। उसे ढूंढो, एक एक को बता के अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो। किसी को प्रेयर रिक्वेस्ट देना कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर दिन भेजो, प्रेयर टावर पे कॉल करो, हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए।
लेकिन अगर आपको लगता है सिर्फ यही सब कुछ है तो ये सब कुछ नहीं है। सबसे पहले खुदा के पास जाओ, गो टू जीसस, लर्न दिस प्रिंसिपल फ्रॉम द लाइफ ऑफ डेविड। इस सिद्धांत को सीखो कि मनुष्य से सेकंड जो इंसान है वो शेयरिंग करने के लिए सेकंड पर्सन है, खुदा सबसे पहला है। मैं एक अंतिम अद्भुत वचन को स्क्रीन पे लगा के इस सभा का अंत करना चाहता हूं। प्यारे भाई, याकूब 5 अध्याय का एक आखिरी वचन 13 आप लगाइए, सब यहां देखिए। ओ आई लव दिस वर्ड जो याकूब कहता है, यदि तुम में से कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए। आज की मॉडर्न इंग्लिश में जानते हो क्या समझाया जाता है इस वर्ड में? चाहे तू खुश है चाहे तू दुखी है, फर्स्ट गो टू जीसस। वाओ, हैव यू नोटिस्ड? इफ यू आर हैप्पी और अनहैप्पी, गो टू जीसस। यदि कोई दुखी है तो क्या करे? उससे बात करे। If any among you suffering, let him pray. Is any cheerful? Let him sing praises. तू दुखी है? उससे बात कर। तू खुश है? उससे बात कर। Wow, amazing! Oh, Jesus! जब ऐसे वचनों को पढ़ता हूं ना, मैं कुछ सच कहता हूं, मैं बोलता हूं कहां प्रचार करने के लिए लगा दिया तूने मुझे यार, जीने देना ऐसे मुझे। हर दिन उठूं, कमरा बंद करूं और सारा दिन गाओ हालेलुया, सिंपल। इज एनी अमंग यू सफरिंग, लेट हिम प्रे। इज एनी चीयरफुल, लेट हिम सिंग प्रेजेस। तू खुश है उससे बात कर, तू दुखी है उससे बात कर। आपने देखा एक आदमी की खुशी उसके दुख का कारण भी बनती है कई बार। हेरोद बहुत खुश हुआ, बोल तुझे क्या चाहिए यूहन्ना का सर। कभी कभी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में आप बहुत, देखो भैया आपकी बीवियां देख रही हैं आपको, बहुत बार हम बहुत बड़ी एक्साइटमेंट में बड़े बड़े वादे कर देते, मैं तुझे स्विट्जरलैंड लेके जाऊंगा। टीट वाला नहीं लेके जाता, स्विट्जरलैंड की बात कर रहा है भैया ये मुझे। ओ मैं तुझे नेकलेस दिलाऊंगा, नेकलेस जो पहना हुआ है वो भी सब निकालता जा रहा है और तू मुझे ये लेके देगा। इसलिए जब भी खुश हो ना तो थोड़ा संभल के खुश होया करो। कई बार खुशियों में ना आप ऐसी ऐसी बातें कर देते हो और उनका कोई ना सर है ना पैर है। एक आदमी ने एक दिन अपनी बीवी को कहा, मैं तेरे लिए ताजमहल बनवाऊंगा। देखो कितना प्यारा पति है। उसकी वाइफ ने बोला, कभी बनाएगा? बोला, मुमताज के मरने के बाद शाहजहां ने बनाया था ना, तू मर तो बनाऊं। सी ऐसे भी पति हैं आजकल। खुदा इन्हें हम क्या हम ये वचन जोर से पढ़ सकते हैं? यदि तुम में से कोई दुखी हो तो प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो उसकी स्तुति के भजन गाए। वाओ जीसस, आई गिव यू प्रेस, आई गिव यू ऑल द ग्लोरी, कम ऑन शाउट फॉर द लॉर्ड, कम ऑन जे ई एस यू एल जीसस। चाहे कुछ भी हो हम उसके पास जाएंगे। वो डिजर्व करता है हमारा फोकस, ही डिजर्व हिज ग्लोरी। वो आदर के योग्य है, वो महिमा के योग्य है, वो स्तुति के योग्य है। एक वही है जो हमारे फोकस को डिजर्व करता है, वो लायक है कि उस पर ध्यान दिया जाए। यस, मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, वो लायक है कि उस पर ध्यान दिया जाए। मैं थर्ड टाइम कहना चाहता हूं, वो लायक है इसके कि उस पर ध्यान दिया जाए।
He deserves our focus. सारे स्वर्गदूत उसकी तरफ देख के कहते हैं, आदर महिमा स्तुति प्रशंसा तू है, क्योंकि तूने जाति जाति को अपने लहू से मोल लिया है. They singing his praise. स्वर्ग उसके खून को आदर देता है, स्वर्ग उसके खून को महिमा देता है, स्वर्ग उसके खून को ऊंचा उठाता है. तूने अपने लहू से जाति जाति के लोगों को खरीदा है. पूरा स्वर्ग उसके बलिदान को महिमा देता है. जिस दिन आपने उसका प्यार समझ लिया ना, आज सिर्फ चीजों के लिए नहीं कि तूने ये दिया वो दिया, अब उसके बलिदान के लिए उसे महिमा दे. बिकॉज ऑफ दिस राइटियसनेस आई एम सेव्ड. तेरे इस धार्मिकता के कारण मैं सेव्ड हुआ हूं. वो जो धार्मिकता थी उसने हम सबके पाप उठा लिए थे. दाऊद सब का सब लौटा लाया क्योंकि उसने परमेश्वर को पुकारा था, उसने परमेश्वर से गाइडेंस मांगी थी. हर चीज के लिए खुदा के पास जाना सीखे. सिर्फ लोगों के सामने सिंपैथी गेन करने वाले स्वभाव से निकलिए कि लोगों को पता चले मैं दुखी हूं, मैं कहां से गुजर रहा हूं. बताइए सेकेंडरी, सेकेंड नॉट फर्स्ट. थैंक यू जीसस, वंडरफुल जीसस, प्रेज यू जीसस. वो था, वो है, वो आने वाला है. मैं उस अभिषेक के कारण उसको धन्य कहता हूं जो इन दिनों में वो हमारे बीच में भेजता है. थैंक यू जीसस. हम सब का सब लौटा ले आएंगे. हर छिनी हुई चीज खुदा हमें देगा. क्या आप विश्वास करते हैं? जोर से आमीन कहें. और याद रखिए, मैं मात्र सांसारिक बातों के लिए बात नहीं कर रहा. आई एम टॉकिंग स्पिरिचुअल. हम अपना वो अभिषेक पा लेंगे. हम परमेश्वर की उपस्थिति में पहले से अधिक गहराई में चलेंगे. हम उसकी आवाज तुरही के समान सुनेंगे. और कभी संसारिक वस्तुओं के पीछे मत भागी. बाइबल बताती है उसके राज्य की खोज करो, सब चीजें तुम्हें. चूरन के पीछे मत भागो. ये जो भी है ना, कार बंगला गाड़ी, बोलो अपने बाजूवाले को, बोलो चूरन के पीछे भागना बंद करो. हाँ, यू नो चूरन, चूरन है, चूरन कॉम्प्लीमेंट्री. मैं होटल में कॉम्प्लीमेंट्री खाने नहीं जाता, खाना खाने जाता हूं. यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं. हमें वो चूरन नहीं चाहिए, हमें रोटी चाहिए, यीशु मसीह चाहिए हमें.